नेताओं का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है, मैं उनको नमन करता हूं। आज ही शहीद उधम सिंह जी की जयंती है। जैसा कि मेरे से पहले माननीय सतीश जी ने बताया कि उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड का बदला किस तरह से लिया और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे सम्मानीय उधम सिंह जी की जयंती पर मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि 26 दिसंबर को उन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाने का ये काम किया। आज हम सभी जगह इस दिवस को मनाते हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि हम सभी को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल इस देश के अंदर अपने आप को सबसे ज्यादा पर और गरीबी का नाम लेकर के इस देश पर राज किया, हम उनसे पूछना कहना चाहता हूं कि वो राजनीतिक दल जिन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण के आधार पर, जाति के आधार पर और गरीबी का नाम लेकर के इस देश पर राज किया, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस देश के अंदर आपने जिस तरह से गरीबी के नाम पर वोट लिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 2014 के बाद इस देश के राजनीतिक दलों को और राजनीतिक नेताओं को बदलने के लिए मजबूर किया है और उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव के अंदर घोषणा करती थी, चुनाव के अंदर वायदा करती थी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बता दिया और जनता में मित्रों ये विश्वास पूरे देश के अंदर है कि जो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों को सिखाना प्रारंभ किया है कैसे भी सही मित्रों वो राजनीतिक दल के नेता भले ही कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं लेकिन उनको बदलने के लिए अगर मजबूर किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राजनेताओं के प्रति जो धारणा थी, राजनेताओं ने जिस तरह से अपनी स्थिति बनाई थी, अगर उसे भी बदलने का काम किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आए दिन आप 2014 से पहले सुनते थे कि किस तरह के घोटाले देश में होते थे, किस तरह की स्थिति देश के अंदर होती थी, कोई किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चला जाता था, करके चला जाता था तो कोई मंदिर के सामने फोड़ करके चला जाता था। यह नरेंद्र मोदी जी का युग है। 2014 के बाद उन्होंने दिखा दिया कि यह 56 इंच छाती का व्यक्ति है या कोई कुछ होने वाला नहीं है और उन्होंने देख लिया 2014 के बाद किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। अगर कोई घटना हुई भी है तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन हमारे सेना नायक को खुली छूट दी है। आपको जवाब देना है और आपको जवाब वो देना है जो दुष्कर्म के मन में ये बात गांव करे कि आगे कोई हमें ऐसा काम नहीं करे। यही नहीं मित्रों, एक गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन जन में परसेप्शन, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखा दिया। इसके लोग तो कहते थे दिल्ली से हम 100 रुपए भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखा दिया कि हम 100 रुपए देंगे तो 100 के 100 रुपए उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे। मैं आपसे निवेदन एक और करना चाहता हूं मित्रों कि
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति अगर कोई अच्छे विचार देता है, अच्छी बात कहता है, तो देश एक नागरिक आपने मन की बात के अंदर सुना होगा, वो कहते हैं कि एक कोई गांव में बैठा व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति अगर कोई अच्छे विचार देता है, अच्छी बात कहता है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र का बहुत बड़ा करके उसको लागू भी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में मुझे पता है नशा का बहुत बड़ा प्रमुख समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां के लिए नशा मुक्ति के लिए अलग से योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री होने के नाते आपको मैं विश्वास करता हूं, पाकिस्तान से होने वाली हथियार एवं मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमने केंद्र में हमारी बात रखी है, उनको अगर इस तरह की तस्करी उन्होंने की तो उनको भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये सीमावर्ती इलाका है। बैठना, क्योंकि ये मोदी की सरकार है, ये मजबूत सरकार है, आपकी एक एक बात का जवाब दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने करतारपुर तक पहुंच सुगम बनाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसका फायदा हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ को सीधा रास्ता निकलवा करके हम इस काम को भी। सबसे बड़ी जो समस्या आपकी है, मैंने पूछा था परसों, मैंने डॉक्टर राम प्रताप जी को बुलाया था, आपकी फिरोजपुर फीडर जिस पर मरम्मत चल रही है उसकी डीपीआर तैयार होगी, ये जल्दी तैयार होगी। मैंने परसों ही डॉक्टर राम प्रताप जी आपके बीच में हैं, मैं परसों डॉक्टर राम प्रताप जी को बुलाया था, उनसे मैंने अधिकारियों को बुलाया, यहाँ की जो सारी समस्या थी उन पर बात की और मैंने उस पर केंद्र पर भी बात की थी। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है, उस समस्या का पूरी तरह से हल किया जाएगा और ये फिरोजपुर फीडर का भी काम किया जाएगा। सिंचाई के लिए जो आपकी गंग नहर पानी की समुचित व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्था हो, उसकी भी व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाएगी। यहाँ कच्चे खालों और नहरों का निर्माण करवाया जाएगा, नहरी क्षेत्र में शुद्धिकरण के लिए एक मजबूत योजना बनाई जाएगी, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं हमारे दो जिले प्रदेश के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर ये ऐसे जिले हैं जो कृषि क्षेत्र में राजस्थान में सबसे आगे हैं। इन जिलों का अलग से ध्यान रखते हुए इनकी सिंचाई व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान दिया जाए। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि इस सरकार ने, पिछली सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। हम जानते हैं एक पिता अपने पुत्र को जब परीक्षा की तैयारी के लिए किसी स्थान पर भेजता है तो पिता इस विश्वास के साथ भेजता है कि मेरा बेटा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, इसका नंबर आएगा, मेरे जीवन का ये साथी बनेगा। लेकिन पुत्र भी इस बात को कहता है कि पिताजी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं भी पढ़ करके अगले आने वाले पेपर में मैं नौकरी के लिए काबिल हूंगा और नंबर लेके आऊंगा। लेकिन आपने देखा मित्रों, 19 पेपर राजस्थान के अंदर हुए और 17 पेपर लीक हुए और उन युवाओं के कोठारा नहीं किया जाएगा।
जो भी इसके पेपर लीक के दोषी हैं, उनको सभी को सजा देने का काम ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने कहा है कि महिला की सुरक्षा हमारा पहला काम है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि महिला अत्याचार में राजस्थान पहले नंबर था। अरे ये तो वो देश है, प्रदेश है जहां माताओं की पूजा होती है, या माताओं ने अपने राजकुमार के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया, या माताओं ने पर्यावरण के लिए अपना खुद का स्वयंकार अपनी बेटियों का बलिदान दे दिया। यहां तो माताओं की पूजा इस प्रदेश में होती है, लेकिन मुझे शर्म आती है कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म आती है कि जब राजस्थान का महिला अत्याचार में पहले नंबर आता है, हमने वायदा किया है महिला सुरक्षा हमारा पहला काम है और हम महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं है। हमने कहा है, आपने पिछले दिनों देखा होगा कांग्रेस का जो भी विधायक था अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री था, वो भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री था, उसके यहां कोई भी आता था बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होता था। हमने कहा है भ्रष्टाचार किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर भ्रष्टाचार के अंदर उस भ्रष्टाचारी को बचाने का या उसका सहयोग करने की किसी ने हिम्मत दिखाई तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। आपके सामने आने वाला है, हम आने वाले समय में किसान सम्मान निधि में भी हम बढ़ोतरी करने वाले हैं। यही नहीं मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं जो हमारा घोषणा पत्र हमने लागू किया था, हमने जन जन में हमारी एक एक रथ गया था, गांव गांव ढाणी ढाणी में हमारे कार्यकर्ता गए थे, बूथ स्तर का कार्यकर्ता है या मंडल स्तर का कार्यकर्ता है या जिला स्तर का कार्यकर्ता है या प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता है, क्योंकि जनता में यह भागीदारी उस कार्यकर्ता की है। हमारा वो कार्यकर्ता जन जन में जाता है, जन जन में विश्वास दिलाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा बूथ का कार्यकर्ता ने अगर आपसे कोई वायदा किया है, मंडल के कार्यकर्ताओं ने आपके बीच में जाकर के अगर वायदा किया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस कार्यकर्ता का वायदा किसी हर कीमत पर पूरा होगा। यह भारतीय जनता पार्टी है, यह जन जन की पार्टी है, जनता हम पर विश्वास करती है, हमारे कार्यकर्ता पर विश्वास करती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता जिस मन भाव से काम करता है, जनता के बीच में जाता है, हम जनता के बीच में जाकर के जितने भी हमारे वायदे हैं उनको पूरा करेंगे। और आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, समय बदला है, हमने देख लिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जनता के अंदर जो बात होती है, जनता के मन की जो बात होती है, जनता जो चाहती है वो ही करते हैं। और हमको भी यही है कि जो जनता चाहती है वो ही हम करने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच में आपके जाने पहचाने ऐसे प्रत्याशी लगातार आपकी सेवा करते आ रहे हैं, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारे टीटी साहब हमेशा आपके क्षेत्र की चिंता करते हैं, ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, आप इनको जिता करके भेजेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनको
बहुत अच्छे मार्जन के जिता करके भेजने वाले हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि ये आपके बीच में रहेंगे और ये समस्या का समाधान भी करेंगे और समस्याओं को सुनेंगे, आपकी बात मां तक पहुंचाएंगे नहीं, ये आपके विश्वास पर आपके जो काम है उन सारे कामों को करवाने के लिए प्रमुखता से रहेंगे। आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिताकर भेजिए। फिर देखिए होता है क्या। आपकी समस्या के समाधान के लिए हमारे टीटी साहब प्रमुख रूप से आपकी सभी की सेवा करने का काम करेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में और मैंने देखा रोड शो में, जय हिंद जय भारत। मंडल के अध्यक्ष जी अपना मोमेंटो देने के लिए आज भारत माता की मंडल के अध्यक्ष जी